कटनी हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही की जा रही है। विगत दिन पूर्व हीरागंज बरही रोड में नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर निकासी रास्ता को तोड़ा गया और वहां रखे पान के टपरों को वहां से अलग कराया गया। बुधवार को नगर निगम के अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ज्वालपा मंदिर के पास की गई। इस दौरान दुकानदार के सामने नाली का कब्जा जेसीबी से अलग किया, मगर बिजली पोल की कारण आधा अधूरा तोड़ कर छोड़ दिया गया। वहीं पास में 40 वर्षों से गरीब महिला अपने घर के सामने नाले के ऊपर ओटला बनाकर परिवार का भरण पोषण कर रही थी। उसके ओटले को नगर निगम द्वारा तोड़े जाने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रोते रोते कहने लगी, अब मेरा परिवार कौन चलाएगा। नगर निगम की अतिक्रमण की कार्यवाही सिर्फ दिखावे की ही समझ में आ रही है। देखा जाए तो शहर में अवैध अतिक्रमण पूंजीपतियों द्वारा भी किया गया है, किंतु उनकी एक ईंट निकालने की हिम्मत नगर निगम के अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। सामने बना संस्कार भारती स्कूल की नाली का अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया, किंतु गरीबों का अतिक्रमण अलग कर हाईकोर्ट को यह पत्र से यह बता दिया जाएगा कि हमने हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्यवाही की है। बता दे, रोती बिलखती एक गरीब महिला फुटपाथ पर बैठकर जमीन से ही 4 बच्चों को पालने का जिक्र करती रही, अब उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। वह इस बात से चिंतित नजर आ रही है। शहर में पूंजीपतियों ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, किंतु उनके यहाँ एक ईंट हिलाने में उनको पसीना छूट रहा है। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रही हैं? मेरे को 42 साल हो गए भैया। तो आप इसी से आपका जीवन है, अपन चलता है। जीवन इसी से, मेरी बच्ची 4 बच्ची है, यही से पड़ी है, आदमी भी खत्म हो गया, लड़के हैं नहीं, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से अपना रोजी चलाऊँ। नगर निगम का नल का बिल दूँ, बिजली का बिल दूँ, मकान का टैक्स दूँ, दवाई का चलाऊँ कि मोबाइल का चलाऊँ कि पेट भरने का चलाऊँ, फिर भी गुजारा करती, किसी से हाथ नहीं फैलाती थी। तो अब तो मेरा कोई नहीं है, तो डाला कि कोई सब्जी मिल जा दे कि बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सेठी। आप यहीं रहती हैं? जी, ऊपर कमरा। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।